हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार। तो आज हम सीखने वाले हैं टेलीग्राम के बारे में कि हम अपने मोबाइल में टेलीग्राम का उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसका इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे ही प्ले स्टोर हमारा ओपन होगा, हमें यहाँ पे सर्च करना होगा टेलीग्राम। जैसे ही टेलीग्राम लिख के हम सर्च करेंगे, टेलीग्राम यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ हम इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारा टेलीग्राम इंस्टॉल होगा, यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन करेंगे। टेलीग्राम ओपन करने के बाद इसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। स्टार्ट मैसेजिंग में क्लिक करेंगे। शुरू में हमें कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम इंडिया से हैं, तो हम इंडिया का कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि इज दिस द करेक्ट नंबर। तो हमें यस करना है। कंट्री कोड यस, कंटिन्यू। हमारा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। अब यहाँ पे हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल, योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड विद एडिशनल पासवर्ड। यहाँ पे हमें पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है अपने टेलीग्राम को। कुछ भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे मोबाइल नंबर से लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी मैसेजेस मेरे टेलीग्राम में आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को पिन करते हैं। जैसे हम किसी को पर्टिकुलर मैसेज करना है और वो हम अपने मोबाइल नंबर की स्क्रीन में सबसे पहले उसे देखना चाहते हैं, तो जैसे हम किसी नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमें पिन करके रखना है। तो जैसा कि ये आप मेरा देख सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इसको मैं टच करके रखूंगा। और यहाँ पे तीन डॉट पे जाके यहाँ पे पिन का ऑप्शन है। जैसे ही पिन करूँगा, मेरा जो नंबर है फर्स्ट में शो हो रहा है। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब क्या होगा, ये मैसेज, इसमें जो भी मैसेज आया रहेगा या मुझे इस नंबर से जो भी मैसेज मिला रहेगा, शुरू में दिख जाएगा ये पिन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर सकता हूँ डायरेक्टली, और इसमें मैसेज जो भी करना है हम कर सकते हैं। वैसे ही हम इसमें फोल्डर बना के भी रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने फोल्डर्स भी बना के रखे हुए हैं। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, किसी एक नंबर को मैंने सिलेक्ट किया और थ्री डॉट पे गए और यहाँ पे ऐड अ फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। ऐड अ फोल्डर में गए। अब यहाँ पे जो फोल्डर बने हुए हैं, उस फोल्डर में मैं इस नंबर को सेलेक्ट कर सकता हूँ।
से मुझे, या यहाँ से हम क्रिएट न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू फोल्डर किए और जो भी हम नाम देना चाहें XYZ, उस नाम से ये फोल्डर बना के इस नंबर को हम वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस फोल्डर में ही वो मैसेज हमें दिख जाएगा, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा फोल्डर बना के भी हम किसी भी नंबर को सेव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों ने बहुत आसानी से इसके बारे में समझा होगा और सीखा होगा। सो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।